हेलो एवरीवन, वेलकम इन एग्री विद स्पार्क। सो स्टार्ट करते हैं हम हमारे आज के सेशन को, जिसमें आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, किस पे बेस्ड, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पे बेस्ड, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो अगर आप चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस करो सो दैट आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले। एंड साथ ही साथ क्या करना है, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ वीडियो को शेयर करना है, ताकि जो मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं उन तक ये वीडियो पहुँच सके, ठीक है। जितने भी आपके एग्रीकल्चर रिलेटेड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि एक इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक रहता है, उसके बेस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो इसके अंडर में मैंने अपने इस पीपीटी में बहुत सारे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस अच्छे से आपको तैयार करे हैं, जो आपके जितने भी एग्जाम्स होंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पर कनेक्ट नहीं हुए हो, चाहे आपका इंस्टाग्राम हो या टेलीग्राम हो, यूट्यूब हो, तो लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को विद अवर फर्स्ट स्लाइड। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट वॉज प्रपोज्ड इन, ठीक है, जो इंटीग्रेटेड यानी IPM थे, ठीक है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो याद रखना दैट इज गिरर एंड, किसने दिया था सबसे पहले, गिरर एंड आपके क्लार्क ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, और किस टाइम पे दिया था, 1961 के टाइम पे दिया था। ओके, इंपॉर्टेंट है कि जो IPM का कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट किसने प्रपोज्ड किया, तो गिरर एंड क्लार्क ने 1961 के अंदर IPM का कॉन्सेप्ट जो है दिया था। नो, जो आपकी टर्म है, इन्होंने तो कॉन्सेप्ट दिया IPM का, था किसने, दैट इज गिरर एंड क्लार्क ने। उसके बाद जो आपकी टर्म दी थी, IPM जो टर्म इंट्रोड्यूस करी है, ये 1967 में इंट्रोड्यूस हुई है, और ये टर्म किसने इंट्रोड्यूस करी है, तो ये आपकी टर्म RF स्मिथ एंड R वेंडर बोश ने जो है ये टर्म इंट्रोड्यूस करी है। इंपॉर्टेंट बनता है जो IPM है, ये कॉन्सेप्ट आपके कौन लाए थे, गिरर एंड क्लार्क लाए थे 1961 के अंदर, लेकिन वहीं जो आपकी टर्म है IPM की, ये 1967 के अंदर RF स्मिथ एंड कौन, R वेंडर बोश ने दी थी। वहीं हम देखें कि कौन सी ऐसी बुक है जिसके अंदर आपके पेस्टिसाइडल इल इफेक्ट दिए गए हैं, किसके, DDT यूज़ करने के, अगर हम DDT जो है उसका ओवरडोज यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमने उसको एक्सेसिव यूज़ कर लिया है, तो उसके इल इफेक्ट को बताया गया है कि अगर आप उसका बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करते हैं तो उसके एक्सेसिव यूज़ से क्या क्या पेस्टिसाइडल इल इफेक्ट हो सकते हैं, ये इशू जो है एक बुक में कवर किया गया है, और वो बुक है आपकी साइलेंट स्प्रिंग, ठीक है ना। और किस टाइम पे, 1962 के टाइम पे एक बुक थी साइलेंट स्प्रिंग, जो आपकी किसने लिखी थी, बेसिकली याद रखना दैट इज रिचल कार्सल ने ये बुक लिखी थी। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि कौन सी बुक में इसका कवर किया गया है, साइलेंट स्प्रिंग, और इस बुक को किसने लिखा है, दैट इज रिचल कार्सल ने लिखा है। ओके, किस टाइम पे, 1962 के टाइम पे, इंपॉर्टेंट है याद रखना। वहीं हम देखेंगे इंडिया के अंदर IPM को ऑफिशियली कब आपको जो है मिनिस्ट्री पॉलिसी के अंदर IPM को डाला गया, ठीक है, यानी इंडिया के अंदर कब ऑफिशियली IPM को आपका माना गया कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट हमें करना चाहिए, तो वो है 1985 के अंदर, ठीक है। किस टाइम पे आपके इंडिया में जो है IPM को आपका ऑफिशियली माना गया, तो 1985 के अंदर। वहीं सबसे पहले अगर आप देखोगे तो कहाँ पे आपका IPM को यू नो स्टार्ट किया गया इंडिया में, तो कटक के अंदर, ठीक है, कटक में सबसे पहले IPM को आपका स्टार्ट किया गया। और अगर आप देखेंगे इंडिया के अंदर IPM को जब कब आपका जो ऑफिशियली माना गया, तो 1985 के अंदर। नेक्स्ट अगर हम देखें द लोवेस्ट लेवल ऑफ प्लांट इंजरी वेयर डैमेज कैन बी मेजर, ठीक है, तो वो बोल रहा है कि लोवेस्ट लेवल जहाँ पे प्लांट की इंजरी क्या होती है, बहुत कम होती है, वो लेवल जहाँ पे आप क्या, जिस पॉइंट पे आप डैमेज को मेजर कर सकते हो, ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे आप डैमेज को मेजर कर सकते हो, ठीक है ना। सो बेसिकली क्या कह रहा है वो, लोवेस्ट लेवल ऑफ प्लांट इंजरी, लोवेस्ट लेवल है प्लांट इंजरी का, जहाँ पे डैमेज को मेजर किया जाता है, उसे बोलते हैं डैमेज बाउंड्री। क्या बोलते हैं उसे, डैमेज बाउंड्री। सिंपल आपको डिफाइन आ सकती है कि द लोवेस्ट लेवल ऑफ प्लांट इंजरी वेयर डैमेज कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड डैमेज बाउंड्री। वहीं हम देखेंगे जो मीन वैल्यू है पेस्ट डेंसिटी की, अराउंड विच द पेस्ट पॉपुलेशन टेंड्स टू फ्लक्चुएट, ठीक है, जो मीन वैल्यू है प्लांट, जो आपकी पेस्ट की डेंसिटी यानी पेस्ट की जो डेंसिटी है उसकी जो मीन वैल्यू है, उसके अराउंड में जो आपकी पेस्ट की पॉपुलेशन है वो फ्लक्चुएट कर सकती है। फ्लक्चुएट करने का मतलब है कि क्या वो एकदम से बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, ठीक है, तो वो पॉइंट कौन सा होता है, आपका जनरल इक्विलिब्रियम पोजिशन, इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आपकी पेस्ट पॉपुलेशन क्या करे, फ्लक्चुएट करे। ओके, जहाँ पे आपकी पेस्ट पॉपुलेशन फ्लक्चुएट करेगी वो आपका जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है।
उसके बाद हम देखेंगे द टर्म विच इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस द बिगनिंग ऑफ इकोनॉमिक डैमेज, जहाँ पे आपकी क्रॉप को डैमेज होना, यानी वो पॉइंट जहाँ पे आपकी क्रॉप को क्या हो, डैमेज इकोनॉमिकली आपकी जो क्रॉप है उसको डैमेज हो, या वो पेस्ट की जो कर वो है इतनी बढ़ जाए कि वो आपकी जो क्रॉप है उसको डैमेज करना स्टार्ट कर दे, जो जिस पॉइंट पे बिगनिंग जब होती है डैमेज की, इकोनॉमिक डैमेज की, उसको किस पॉइंट पे बोलते हैं, उसे बोलते हैं ग्रेन, दैट इज अगेन थ्रेशोल्ड। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है बिगनिंग ऑफ द इकोनॉमिक डैमेज आर नोन एज गेन थ्रेशोल्ड। इंपॉर्टेंट है याद रखना, गेन थ्रेशोल्ड क्या होता है, जहाँ पे आपकी डैमेज जो है स्टार्ट हो जाए, बिगनिंग हो जाए। नाउ इंजरी, नाउ लॉस कॉज्ड बाय वन इंडिविजुअल, ठीक है, सिंपली ये पूछा जाता है व्हेन द लॉस कॉज्ड बाय वन इंडिविजुअल, जब एक इंडिविजुअल से लॉस हो तो उसे क्या बोलेंगे, इंजरी इक्विवेलेंट। इंपॉर्टेंट है याद रखना, इंजरी इक्विवेलेंट क्या होता है, व्हेन लॉस कॉज्ड बाय वन इंडिविजुअल। वहीं हम देखेंगे द पेस्ट डेंसिटी लेवल एट विच मैनेजमेंट शुड बी अडॉप्टेड टू प्रिवेंट द पेस्ट पॉपुलेशन फ्रॉम रीचिंग टू द इकोनॉमिक इंजरी लेवल। ठीक है, पेस्ट की पॉपुलेशन, पेस्ट डेंसिटी लेवल एट विच मैनेजमेंट शुड बी अडॉप्टेड, जहाँ पे आपको क्या मैनेजमेंट अडॉप्ट करने हैं, वो पोजीशन जहाँ पे आपने मैनेजमेंट को क्या होता है अडॉप्ट करना होता है, अगर आपने अडॉप्ट नहीं किया है तो जो आपकी क्या है पेस्ट की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और फिर आपको लॉस होना शुरू हो जाता है। तो वो पॉइंट जिसमें आपको क्या करना है, पेस्ट पॉपुलेशन को रोकना होता है। ठीक है, आपको जितने भी मेजर्स हैं वो अप्लाई करने होते हैं ताकि पेस्ट की पॉपुलेशन और ना बढ़े, ओके, क्या ताकि आपका जो इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक वो ना पहुंचे, जिसमें आपको वो हार्म पहुंचाए या डैमेज पहुंचाए इकोनॉमिक ईल्ड को। तो वो पॉइंट कहाँ पे होता है, जहाँ पे आप जितने भी इकोनॉमिक मेजर्स को आप अडॉप्ट करते हो पेस्ट की पॉपुलेशन को रोकने के लिए, जितने भी आप तरीके अपनाओगे, तो वो किस पॉइंट पे अपनाओगे, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल वेयर दी प्रिवेंशन, या आप कह सकते हो मैनेजमेंट शुड बी अडॉप्टेड, राइट। नाउ लोवेस्ट नंबर ऑफ इंसेक्ट दैट विल कॉज द इकोनॉमिक डैमेज, उसको हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे आपके काफ़ी लोवेस्ट नंबर के इंसेक्ट होते हैं जो कि क्या करते हैं आपके इंसेक्ट को डैमेज पहुँचाने लग जाते हैं, तो वो होता है इकोनॉमिक इंजरी लेवल। इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक इंजरी लेवल। वहीं हम नेक्स्ट देखते हैं आपके जो ETL है, दैट इज इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, अगर हम इसके फॉर्मूले के बेसिस पे पूछें तो इकोनॉमिक इंजरी लेवल माइनस डेली रिप्रोडक्टिव एबिलिटी या रिप्रोडक्टिव रेट ऑफ द इंसेक्ट। ठीक है, कितने टाइम जो इंसेक्ट है वो रिप्रोड्यूस करता है उसके बेसिस पे, माइनस कितना इंजरी वो मतलब उसके वजह से हो रहा, तो इकोनॉमिक इंजरी लेवल माइनस डेली रिप्रोडक्टिव रेट ऑफ इंसेक्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है। इंपॉर्टेंट है जो इकोनॉमिक इंजरी लेवल का और इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल है, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो स्टर्न एटल ने दिया था 1959 के अंदर। किसने दिया था, स्टर्न एटल, कब दिया, 1959 में दिया। अब जो है आपके वैक्टर्स, अगर हम देखें फॉर वैक्टर्स, अगर वैक्टर्स के लिए इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल कैसा रहता है, तो या तो वन से नीचे रहेगा या फिर ज़ीरो रहता है। इंपॉर्टेंट है याद रखना ये। नेक्स्ट है बात की पेस्ट, कभी कभी एग्जांपल्स आपको दे देते हैं, बहुत सारे पेस्ट के एग्जांपल दे देंगे और बोलेंगे इनमें से की पेस्ट कौन से होते हैं, मेजर पेस्ट कौन से होते हैं, ठीक है, माइनर पेस्ट कौन से होते हैं। तो याद रखना की पेस्ट का एग्जांपल है कॉटल बॉल वॉर्म एंड आपका ग्राम पॉट बॉरर या फिर चिकपी पॉट बॉरर। इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही पेस्ट कैसे होते हैं आपके, ग्राम दैट इज़ ए कॉटन बॉल वॉर्म एंड ग्राम कट वॉर्म या फिर आप चिकपी पॉट बॉरर बोलते हैं बेसिकली, वो आपका क्या है की पेस्ट में आते हैं। मेजर पेस्ट जो आपके क्रॉप को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं वो आपके सकिंग पेस्ट होते हैं। ठीक है, सकिंग पेस्ट कौन से होते हैं, मेजर पेस्ट होते हैं जिसमें आपके ब्राउन प्लांट हॉपर, ग्रीन लीफ हॉपर, एफिड, जेसिड, वाइट फ्लाई, ठीक है, ये सारे आपके किसमें आते हैं, आपके मेजर पेस्ट के अंदर आते हैं। वहीं नेग्लिजिएबल पेस्ट कन्फाइंड टू एन आइसोलेटेड पॉकेट, ठीक है, मतलब कि बहुत ही नेग्लिजिएबल है, बहुत थोड़े से पेस्ट हैं जो कि पर्टिकुलर किसी एक आइसोलेटेड मतलब किसी एक ही प्लेस में आपके लोकेटेड है, लेकिन क्या होता है समटाइम्स बिकम मेजर पेस्ट ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन, मतलब अभी तो वो बहुत कम है लेकिन क्या और किसी पर्टिकुलर छोटे से एरिया में है जो कि बहुत ही लेस में है, लेकिन जैसे ही कुछ टाइम में क्या होता है कुछ कभी कभी जो कंडीशंस हैं वो बहुत फेवरेबल आ जाती हैं, यानी जैसी कंडीशंस उन्हें चाहिए होती है उनके सर्वाइवल के लिए, वैसी कंडीशन अगर उन्हें मिलेगी तो उनकी जो पॉपुलेशन है वो एकदम से बढ़ जाती है, तो वो क्या बन जाते हैं, अभी तो वो नेग्लिजिबल हैं लेकिन धीरे धीरे वो मेजर पेस्ट बन जाएंगे। तो ये आपके होते हैं स्पोरोडिक पेस्ट, ऐसे पेस्ट जिनकी अभी तो आइसोलेटेड वो आइसोलेटेड एरिया में बहुत छोटी सी संख्या में है, लेकिन जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होगी उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, जब अपनी पॉपुलेशन को वो बढ़ा देते हैं वो होते हैं स्पोरोडिक पेस्ट। अगर है करंटली नॉट पेस्ट, अभी तो वो पेस्ट नहीं है लेकिन उसके अंदर उस पेस्ट के अंदर ये मतलब इंसेक्ट के अंदर ये एबिलिटी है कि वो क्या बन जाए, पेस्ट बन जाए। पेस्ट का मतलब क्या होता है, जो आपकी जो क्रॉप है उसको नुकसान पहुंचा सकता है,
ठीक है। सो बेसिकली क्या, अभी तो वो आपका पेस्ट नहीं है, लेकिन जिसके पास एबिलिटी हो टू बिकम अ पेस्ट, वो होता है पोटेंशियल पेस्ट। उसके पास क्या है, पोटेंशियल है पेस्ट बनने का। ओके, नेक्स्ट है पेस्ट नेटिव टू एन एरिया, आउटब्रेक अकर्स एवरी एरिया एवरी ईयर। किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई पेस्ट आता है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया में हर साल उसका आउटब्रेक होता है, ठीक है, आउटब्रेक होगा उसका हर साल, एवरी ईयर उस पेस्ट का आउटब्रेक होना ही होना है, तो वो होता है एंडेमिक पेस्ट, जिसको हर साल आना होता है किसी पर्टिकुलर एक एरिया में, वो कन्फाइंड होगा कि इस पर्टिकुलर एरिया में वो हर साल आएगा, तो वो है आपका एंडेमिक पेस्ट। और जो आपका हर सीज़न आएगा, ठीक है, द पेस्ट आउटब्रेक अकर रेगुलरली इन सीज़न इन सीवियर फॉर्म, जो हर एक सीज़न में आपका आता है, चाहे वो गर्मी का सीज़न में एक बार आ गया, फिर सर्दियों के सीज़न में, मानसून में, ठीक है, सो हर एक सीज़न में वो एक एक बार ज़रूर आता है, वो होता है एपिडेमिक पेस्ट। ओके, सो द पेस्ट आउटब्रेक रेगुलरली अकर इन सीज़न वेयर इन सीजन इन सीवियर फॉर्म, दैट इज योर एपिडेमिक पेस्ट, ठीक है। हर साल आए एंडेमिक, हर सीजन आए एपिडेमिक। कॉन्स्टेंट वॉच ऑन पेस्ट पॉपुलेशन डायनेमिक्स, कंस्टेंटली पेस्ट पॉपुलेशन को चेक करना, उसके बाद डैमेजेस को देखना हर एक क्रॉप में, हर एक इंटरवल में, एट ए फिक्स्ड इंटरवल, ठीक है, फिक्स्ड इंटरवल में हर एक क्रॉप में डैमेजेस को देखना होता है। उसके बाद क्या, कॉन्स्टेंट देखना है हमने पेस्ट की पॉपुलेशन को देखना होता है, ठीक है, हर एक क्रॉप का डैमेजेस को चेक करना होता है। क्रॉप के डैमेजेस को चेक करो कि किस किस क्रॉप में, पहले तो पेस्ट की पॉपुलेशन देखो कि एकदम से पेस्ट की पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ है, या पेस्ट की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है या घट रही है, और अगर बढ़ रही है तो क्या क्या उसने आपके क्रॉप्स को जो है नुकसान पहुँचाया है। रेगुलर इंटरवल में देखो, इतने दिन में, 10 दिन में, फिर 20 दिन में, कि अच्छा ये आपके क्रॉप में ऐसे ऐसे अगर कोई पेस्ट है नुकसान पहुँचा रहा है, तो वो कैसे कैसे पहुँचा रहा है। उसके बाद क्या, उसके बेसिस में आपने क्या करना होता है, फार्मर्स को वार्न करना होता है, ठीक है, ताकि क्या हो कि वो टाइमली क्या करें, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अपनी फॉलो कर सके, अपनी क्रॉप को बचा सके, ठीक है। तो कांस्टेंट वॉच रखना पेस्ट की पॉपुलेशन के ऊपर, उसके बाद हर एक क्रॉप में चेक करना रेगुलर इंटरवल में कि क्या क्या आपका डैमेज कॉज हुआ है, ओके। उसके बाद उसके बेसिस में आपने फार्मर्स को क्या बताना कि टाइमली मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आपको इस टाइम पे अडॉप्ट करनी चाहिए, ताकि आप अपनी क्रॉप को जो है बचा सको, तो वो होता है पेस्ट सर्विलेंस, उसको क्या बोलेंगे, पेस्ट सर्विलेंस बोलते हैं। वहीं हम नेक्स्ट देखते हैं, जब आप पेस्ट का बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, आउटब्रेक का प्रिडिक्शन करते हैं, यानी आपने सारी चीज़ें देख ली हैं, तो आपका एक आइडिया लग जाता है कि आप ये बता सकते हो कि इस टाइम क्या होगा, पेस्ट का आउटब्रेक होगा। आउटब्रेक का मतलब है कि हाँ, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पेस्ट आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो आप उस बेसिस में आपने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है, उसके बेसिस में ये बताना कि इस टाइम आपके पेस्ट का आउटब्रेक हो जाएगा, उसे बोलते हैं किसके भी, जो भी आपने पेस्ट सर्विलेंस किया था ना, उसके बेसिस पे। तो जब आप ये इन्फॉर्मेशन, मतलब ये आप प्रिडिक्शन लगाते हो कि इस टाइम पे आउटब्रेक हो सकता है, उसे बोलते हैं फॉरकास्टिंग। ओके, क्या बोलते हैं, फॉरकास्टिंग बोलते हैं। नाउ ओवरड्यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स किल नेचुरल एनिमीज ऑफ अ माइनर पेस्ट, ठीक है। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो नेचुरल एनिमीज होते हैं, यानी जो आपका माइनर पेस्ट है कोई, उसके इन्वायरमेंट में ऑलरेडी नेचुरल एनिमीज प्रेजेंट होते हैं, जो उसको खा जाते हैं, उसको मार देते हैं, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा ही आपने क्या कर लिया है, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का यूज़ कर लिया है, जिसकी वजह से क्या हो गया है, बेसिकली जितने भी आपके पेस्ट हैं, ठीक है, मतलब जितने भी आपके नेचुरल एनिमीज थे जो पेस्ट को हार्म या किल करते थे, वो ख़त्म हो गए हैं। अब वो ख़त्म हो गए तो वो जो माइनर पेस्ट है उसे मार ही नहीं पा रहे हैं, मतलब वो खुद ही मर गए हैं तो उसे क्या मारेंगे ना। तो बेसिकली क्या होता है, तो जो आपके माइनर पेस्ट होते हैं, जब उन्हें कोई मारता नहीं है, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाते हैं, मेजर पेस्ट बन जाते हैं, ठीक है ना। सो विच इन टर्न बिकम मेजर माइनर पेस्ट टू मेजर पेस्ट, और उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी आउटब्रेक। सेकेंडरी पेस्ट आउटब्रेक का मतलब यही होता है कि बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड का यूज़ करने से जो नेचुरल एनिमीज हैं माइनर पेस्ट के, वो मर जाते हैं, जिनकी वजह से जो माइनर पेस्ट है वो मेजर पेस्ट में चेंज हो जाता है। दैट इज योर सेकेंडरी पेस्ट आउटब्रेक। ओके, नेक्स्ट है अबनॉर्मल इंक्रीज हो जाना पेस्ट की पॉपुलेशन का, जब आप बहुत ज़्यादा मतलब इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते हो, जिसकी वजह से नेचुरल एनिमीज का मर जाता है ना, वो सारे नेचुरल एनिमीज डाई हो जाते हैं, लीथल डोज ऑफ इंसेक्टिसाइड यूज, ठीक है, उनके न्यूट्रिशन स्टेटस वगैरह में चेंज, तो ये आपका होता है रिसर्जेंस ऑफ फ्लेयर बैक। इसी को क्या बोलते हैं, रिसर्जेंस ऑफ फ्लेयर बैक। अगर आप रिसर्जेंस देखोगे किस किस के लिए आपका रिपोर्ट होता है, तो सबसे ज़्यादा रिसर्जेंस आपका किसके लिए होता है, होमोप्टेरा एंड आपके लेपिडोप्टेरा के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रिसर्जेंस किसके लिए ज़्यादा होता है, सो होमोप्टेरा एंड लेपिडोप्टेरा, इन दोनों के लिए जो है सबसे ज़्यादा रिसर्जेंस होगा। अगर आप देखें व्हाइट फ्लाई के लिए रिसर्जेंस होगा ड्यू टू दी सिंथेटिक पैराथायराइड्स,
इम्पॉर्टेंट है. रिसर्जेंस इन वाइट फ्लाई इज ड्यू टू द सिंथेटिक पैराथायराइड्स माइट के लिए ड्यू टू द कार्बायरल. ओके, और वही हम देखें ब्राउन प्लांट हॉपर, इसके लिए आपका होता है क्विनोलिफॉस. इम्पॉर्टेंट है रिसर्जेंस इन ब्राउन प्लांट हॉपर इज क्विनोलिफॉस, माइट इज कार्बायरल, एंड फॉर वाइट फ्लाई इज सिंथेटिक पैराथायराइड. वही हम देखेंगे अगर ट्रेंचिंग, आपने ट्रेंचिंग करनी है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि ट्रेंचिंग से आप किस किस को क्या प्रिवेंट कर सकते हो या रोक सकते हो, किसको आप यू है कंट्रोल कर सकते हो. तो याद रखना ट्रेंचिंग से हम लोकस एंड रेड हेयरी कैटरपिलर इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं. ट्रेंचिंग के मेथड से लोकस एंड रेड हेयरी कैटरपिलर इनको हम रोक सकते हैं. इम्पॉर्टेंट है याद रखना, ठीक है. कंट्रोल द लोकस एंड रेड हेयरी कैटरपिलर. वही हम देखेंगे हमने अर्ली प्लांटिंग करनी है, ठीक है. हमने कभी कभी हम जल्दी प्लांटिंग कर देते हैं तो उसकी वजह से भी क्या होता है, हम जो है कौन से पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, तो लीफ फॉल्डर एंड गॉलमिज, ठीक है. गॉलमिज या फिर जो लीफ फॉल्डर होते हैं राइस के अंदर जो है आपका गॉलमिज, गॉलमिज किसका पेस्ट है, राइस का, उसको हम अर्ली प्लांटिंग से रोक सकते हैं. या फिर शूट फ्लाई, शूट फ्लाई किस में लगती है, सॉर्गम में लगती है. ओके, तो सॉर्गम में शूट फ्लाई को हम किससे कर सकते हैं, अर्ली प्लांटिंग से, और गॉलमिज को भी अर्ली प्लांटिंग से, लीफ फॉल्डर को भी अर्ली प्लांटिंग से. लेकिन वहीं हम देखेंगे लोकस एंड रेड हेयरी कैटरपिलर को हम ट्रेंचिंग के मेथड से प्रिवेंट कर सकते हैं. वहीं अगर हमने क्लोज प्लांटिंग करी है, ठीक है, यानी बहुत पास पास हमने जो है प्लांट्स को लगाया है, तो उससे हम ग्रीन लीफ हॉपर, ठीक है, ग्रीन लीफ हॉपर को किस में, राइस में हम प्रिवेंट कर सकते हैं. अगर हमने पास पास लगाया तो ग्रीन लीफ हॉपर से बचा देंगे हम राइस में. वहीं अगर हमने दूर दूर लगाएंगे तो हम ब्राउन प्लांट हॉपर से बचाते हैं. इंपॉर्टेंट है, देखो दोनों रिवर्स हैं एक दूसरे के. अगर पास पास लगाएंगे तो किससे बचेंगे, ग्रीन लीफ हॉपर से, और दूर दूर लगाएंगे तो किससे बचेंगे, ब्राउन प्लांट हॉपर से, ठीक है ना. इंपॉर्टेंट है. वहीं हम देखेंगे अगर हमने एली फॉर्मेशन करी है, सबको पता है एली फॉर्मेशन करी है आपने, या फिर आपने ऑल्टरनेट बेटिंग एंड ड्राइंग कर दी है, तो भी आप किससे, ब्राउन प्लांट हॉपर से, किसमें, राइस में, ठीक है, इससे आप उसे बचा सकते हो. ऑल्टरनेट क्या कर सकते हो, ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, या फिर आप एली फॉर्मेशन कर सकते हो, तो ब्राउन प्लांट हॉपर से बच जाते हो. उसके बाद आपने थ्रैश मल्चिस का यूज़ किया है, जो आपके थ्रैशिस होते हैं उनकी मल्च एक बिछा दी है, जिससे उसके बाद फ्रिक्वेंट इरीगेशन के हेल्प से भी, तो उसकी वजह से अभी आप किसको रोक सकते हो, दैट इज़ योर अर्ली शूट बॉरर इन शुगर के. इम्पॉर्टेंट बनता है कि फ्रिक्वेंट इरीगेशन से और आपके ट्रैश मल्चिस से, ट्रैश मल्चिस सबको पता होता है ना, उसका आप यूज़ करते हो, मल्चिस बिछा देते हो, तो उसकी वजह से जो अर्ली शूट बॉरर है किसके अंदर, शुगर केन में, वो प्रिवेंट हो जाता है. वही हम देखेंगे जब आप फ्रीक्वेंट इरिगेशन देते हो तो पोटैटो ट्यूबर म्यूथ से भी आपको कंट्रोल मिलता है, ठीक है. एक तो अर्ली शूट बॉरर हो गया शुगर केन का, और फिर पोटैटो ट्यूबर मौत हो गया. वहीं हम देखेंगे जब हम ट्रिमिंग कर देते हैं फील्ड बंड्स की, तो उसमें क्या होता है, जो आपके ग्रास हॉपर होते हैं उनके जो एग्स होते हैं उनको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं या एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है. जब आप फील्ड, जो आपकी फील्ड बल्ड है उनका क्या करेंगे, आप ट्रिमिंग करेंगे, तो जो एलिमिनेशन हो जाएगा आपका किसका, एग्स ऑफ योर ग्रास हॉपर. उसके बाद अब आपने टाइमली हार्वेस्टिंग कर दी है. टाइमली हार्वेस्टिंग से आप किसको प्रिवेंट करते हो, याद रखना, स्वीट पोटैटो वीविल. इसका नाम क्या है, दैट इज ज़ाइलस फॉर्मिकेरियस. क्या नाम है, ज़ाइलस फॉर्मिकेरियस. इससे हम क्या कर देंगे, इनको बचा लेते हैं. इम्पॉर्टेंट है याद रखना, टाइमली हार्वेस्टिंग से स्वीट पोटैटो के अंदर ज़ाइलस फॉर्मिकुलेरियस, इसका नाम है स्वीट पोटैटो वीविल, इससे हम उसे बचा सकते हैं अपनी क्रॉप को. ओके, सो ये थे आपके आज के जितने भी आपके IPM के क्वेश्चंस थे. कंटिन्यू रहेगी आपकी सीरीज IPM की, जिसमें आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम रेगुलरली बेसिस पे आपके प्रोवाइड कराते रहेंगे. ओके, सो अगर आप चैनल पर न्यू हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, सो दैट आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले. एंड साथ ही साथ क्या करना है, डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पे आपने कनेक्ट नहीं किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ से आपने क्या करना है, कनेक्ट कर लेना है, ठीक है. जहाँ पे आपको डेली पोस्ट, क्विजेज एंड ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड होता है, PDFs वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड की थी. अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से हो जाओ. आई होप जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहे होंगे, एंड आपका जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होंगे. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. दिस इज योर एग्री विद स्पार्क.